बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं और टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सारी बातें सोचकर देखकर कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया कि इस बार उस नौजवान को मौका दो जिसने अपना घर बार छोड़कर एक गरीब परिवार में जन्म लेकर छात्र राजनीति कर युवक कांग्रेस NSUI में अपना नाम कमाया और आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो पैदल चलकर यात्रा निकाली थी उस मेहनत को देखकर आज अभिनंदन जी को पार्टी ने टिकट दिया है। अभी राजा बरिंग जी और मैं बात कर रहे थे, राजा बरिंग जी आज पूरे सूबे के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा हमारा महत्वपूर्ण राज्य पंजाब है, वहाँ के अध्यक्ष हैं। इनकी शुरुआत भी यूथ कांग्रेस से हुई थी, चुनाव लड़कर मेहनत कर एक अपना नाम कमाया था। आज जो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव है। और एक बात आप लोग ध्यान से सुन लो, इस प्रदेश में सरकार दो ही पार्टियों की बनती है, या तो बीजेपी की या कांग्रेस की, या तो हाथ की या फूल की, पार्टी की सरकार कहीं बनी नहीं आज तक। सरकार तो दो ही पार्टियों की बनती है और जो माहौल आज राज्य में है, देश में है, जो बदलाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। जैसे हम लोगों ने सरकार कर्नाटक में बनाई है, हिमाचल प्रदेश में बनाई है, दो सूबों में चुनाव हो गया। अभी हमारे कुलदीप इंदौरा जी प्रमुख साहब गंगानगर के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और 25 तारीख को राजस्थान में भी यहाँ से आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूँ, ये हाथ का निशान हमारी कांग्रेस पार्टी की पहचान है। इस हाथ के निशान के पास वाले बटन को दबाकर इस नौजवान को अपना वोट दो, ताकि कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों पे भरोसा कर जो टिकट दिया है, आपका संघर्ष करने के लिए यहाँ से जयपुर जाएंगे आपका विधायक बनकर और संग्रह विधानसभा क्षेत्र की अपनी पूरी ताकत के साथ सेवा करेंगे, ये बात करने के लिए आपके बीच में आए थे। दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस का फर्क आप समझो, सत्ता में 10 साल से भाजपा की सरकार दिल्ली में है, नीति, नियत और नेता आप भाजपा के देख लो और कांग्रेस के देख लो। भाजपा ने कानून बनाए किसानों के खिलाफ, 3 काले कानून, 1.5 साल तक किसान दिल्ली में धरना देके बैठे रहे, ठंड और गर्मी में भूखे प्यासे सैकड़ों किसानों की जान चली गई, तब जाके भाजपा की सरकार ने वो काले कानून वापस किए। बीजेपी की सरकार ने नोटबंदी करी, GST लेकर आए, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, काला धन वापस लाने का वादा किया था, 15 लाख हर खाते में जमा कराने का वादा किया था, कोई वादा पूरा किया नहीं। हम लोगों ने कहा था रोजगार का अधिकार देंगे, हम नरेगा लेकर आए, हमने कहा था खाद्य सुरक्षा हो, सूचना